चोरा मेरे मज पम डाण गर मणि सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डाण गर मणि सिखा। दयाल दास कल्याणी, जिनको पूरा भारत, पूरे भारत में बहुजन मूल निवासी समता मैत्री पे काम करने वाले सभी लोग डीडी कल्याणी के नाम से जानते हैं। उनका 25 अप्रैल 2021 को कोविड से लड़ते हुए पिछले 10-12 दिन से अमृतसर में शरीर अंत हो गया। उन्होंने बामसेफ में बहुत काम किया। बामसेफ के संस्थापक सदस्यों में रहे। FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में मैनेजर के पद पर रहे। लगभग 70 साल से ऊपर की आयु में उनका शरीर का अंत हुआ। 4 भाषाओं के ज्ञाता थे। हर समय कोई ना कोई किताब अपने पास रखते थे। उनके बच्चे अमेरिका में सेटल हैं। कई बार बच्चों ने उनको कहा कि आप अमेरिका आ जाइए। उनका मानना था कि जिंदगी सुरक्षित और लंबी होने की बजाय शानदार होनी चाहिए। बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलते हुए जिंदगी को बिताना चाहिए। जो आदेश बाबा साहब ने दिए हैं उनको निरंतरता से लगातार पूरे करते रहना चाहिए और अपने इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो लगातार काम करते रहे। बामसेफ से अलग होने के बाद उन्होंने भारतीय समाज निर्माण संघ की स्थापना की, जिसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। लगातार वहाँ काम करते रहे, लोगों को जागते रहे, जगाते रहे। एक अच्छे मन और एक अच्छे शरीर और एक अच्छी कड़क आवाज़ के वो स्वामी थे। आप जब भी बोलते थे तो लोग बड़े ध्यान से सुनते थे, क्योंकि लोगों को जगाने में आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे, बहुत ज़्यादा उस्ताद थे। कोरोना काल में बहुत सारे अम्बेडकर अनुयायी, बहुजन समाज में काम करने वाले लोग काल के मुंह में समा रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से ऑक्सीजन, हॉस्पिटल, दवाइयाँ अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं। सरकार लगभग फेल हो चुकी है। इसलिए जिन लोगों के पास में दवाई की, ऑक्सीजन की, डॉक्टर की, अस्पताल की सुविधा नहीं है, वो अधिकतर लोग पिछले 10-15-20 दिनों में काफ़ी संख्या में मारे जा चुके हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप पर लगातार खबरें आ रही हैं। उसी श्रृंखला में दयाल दास कल्याणी जी यानी डीडी कल्याणी जी का भी निधन हो गया। सभी में एक शोक की लहर है। ऐसा व्यक्ति जो लगातार समाज को जगाता हो, उसका शरीर भले ही अंत हो जाए मगर वो कभी अपने विचारों से अंत नहीं होता। यहाँ मैं एक उनका 5 मिनट का छोटा सा वीडियो दे रहा हूँ, आप उसको देखें, सुने, क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं कि अनिच्छावत संघारा, दुनिया में कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है। जो भी पैदा होता है उस सब का एक ना एक दिन अंत होता है। चाहे सूर्य हो, सूरज हो, पृथ्वी हो, पृथ्वी हो, कोई मौसम हो, कोई व्यक्ति हो, कोई जानवर हो, कोई जीव हो, समुद्र हो, हवा हो, ग्रह हो, उपग्रह हो, यहाँ तक कि यूनिवर्स भी, पूरी की पूरी इसको कायनात बोलते हैं, वो भी एक ना एक दिन समाप्त होनी ही है। हो सकता है, यस वी कैन, हम कर सकते हैं, कोई ऐसी इच्छा नहीं चाहिए। मुझे तो समझ आ रहा था, एक
महल में एक तोता रखा हुआ था, एक तोता रखा हुआ था, एक तो उसके साथ में और भी संदेश दिए। हमको कुछ करना ही नहीं चाहते, यह तो भीड़ है पूरी संस्कृति। 183 छुट्टियां करने वाले लोग जब उनके घर में जाओ कहते हमारे पास टाइम नहीं है, 52 संडे, 52 सैटरडे, 16 गजेट हॉलीडे, तो आज 183 छुट्टियां करने वाले लोग, अरे हमारे पास सब कुछ है। याद रखो, आपको गुलाम बनाने के लिए इस देश का सिस्टम ओवरटाइम लगा रहा है। मनोज तिवारी जी वाल्मीकि बस्ती में हारमोनी बना के, क्या बात कथा कर रहे हैं। हम कहते हैं एमपी साहब आ गए हैं, हम खुश होते हैं। हम अल्प संतुष्टि वाले लोग हैं, वो हमें लगातार गुलाम रखने के लिए जान की बाजी लगा रहा है। और हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। याद रखना, समय हर एक के लिए एक जैसा ही होता है। मेरी विनती है, हम देश के अंदर आंदोलन चलाने का काम कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है, जब बार बार सुधीर जी बोल रहे थे साथियों ये कार्यक्रम है, और मुझे लगता है ये कार्यक्रम नहीं रहना चाहिए, कार्यक्रम तब होना चाहिए जब कार्य करो। अरे मुझे दुख होता है कि कर्मचारी अपनी आरक्षण की बात कर रहे हैं। अरे उन लोगों को देखो, इस देश के अंदर 7,000 लोग रोज भूख से मर रहे हैं, 7,000 लोग। मेरी विनती है, खाते पीते अधिकारियों, खाते पीते कर्मचारियों, आपके पीछे जो लोग बैठे हुए हैं उनकी तरफ भी ध्यान दो। और हम ये लगातार काम कर रहे हैं, अगर निरंतरता नहीं रहेगी, बाबा साहब ने कहा था जागृति की अनंत और अखंड ज्योति जलाओ, ये टूटना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल निरंतर कंटिन्यूसली विचारधारा का प्रवाह होना चाहिए। आज का ये कार्यक्रम आपने अरेंज किया है, मेरी विनती है, मैं एक ही मैसेज यही देना चाहता रहा कि हमारे अंदर अगर ये पे बैक करने की भावना जो है, कुछ वापस देने की भावना, याद रखो आपकी जेब में कुछ भी नहीं है। आप हैरान होंगे कि मार्क जो कार्ल मार्क्स है, उतनी गरीबी है उसके घर के अंदर। वो कहते हैं वो कार्ल मार्क्स जिसने कहा कि संसार के हर मजदूर का घर होना चाहिए, लेकिन उसका अपना घर नहीं था। अपना घर नहीं है, मालिक आता है तो किराया दे, मेरे पास किराया नहीं है, सर्दी है लंदन में, 34 साल देश भी पाला रहा। मैं इसलिए बता रहा हूं, आपके पास अगर कुछ भी नहीं है, याद रखिए अगर आपके पास दिमाग का हथियार है और पेन की प्रयोगशाला है, दुनिया का हर काम हो सकता है। मेरे पढ़े लिखे लोगों को विनती है, कृपया कम से कम कलम पकड़िए, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, तो आपके दिमाग का अगर जंग निकलेगा, पहले घर का भला होगा, फिर समाज का भला हो सकता है। मेरी बात को ध्यान से सुना, अगर थोड़ा टाइम ज्यादा लगा है, बहुत बहुत एक बार फिर आभार प्रकट करता हूँ। जय जी, जय भारत। दयाल कल्याणी, बीबी कल्याणी नाम है आपका। देवी किसको बोलते हैं? पाली में बुद्ध बोलते थे, जो पंचशील का पालन करता है, अगर वो पुरुष है तो देवता और दयाला, और जो महिला अगर पंचशील का पालन करती है तो देवी, बाकी सब मनुष्य है। यानी जो चोरी करेगा वो मनुष्य है, जो चोरी नहीं करेगा वो देवता है। इसलिए 33 करोड़ देवी देवता माने जाते हैं, क्योंकि वो सारे बुद्धिस्ट थे। इसको बिल्कुल अच्छी तरह समझ लें आप। और वाल्मीकि यानी कि जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, कोई सी किताब उठा लें आप, कोई सी किताब कारण की है, मैंने खूब अध्ययन किया है, पूरी हिस्ट्री में आपको सफाई का काम नहीं मिलेगा। दो ही काम होते थे प्राचीन काल में, या तो जंगल में जाके सब्जी लेनी है, या कोई खेत में काम करना है, या जानवर से दूध लेना है, अंडा लेना है, या जानवर काटे खाना है। सफाई का काम सब अपने आप करते थे, ना सड़क होती थी, ना कोई ऑडिटोरियम होता था, ना कोई घर होता था, झोंपड़ी होती थी, सब अपना काम अपने आप। बुद्ध की पूरी हिस्ट्री में पूरे उसके अंदर भिक्षू अपनी सफाई अपने आप किया करते थे। तो सफाई का जब काम ही नहीं, तो सफाई करनी कहां से? ये बड़ा रहस्य है, बहुत लंबी बात है, कभी फिर बताएंगे, क्योंकि आज कार्यक्रम बहुत ज्यादा हो चुका है और समय बहुत है। हमें चाहिए वो और एक वो लोग
होगा। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री है। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से या फेसबुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं। आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदलकर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहे वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद।